जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए 22 फरवरी 2024 शिफ्ट वन में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। तो सभी साथी पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, आज का पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको भी राइट आंसर हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है, इसमें अल्फाबेट और संख्या दोनों ही मिक्स है। अगला पद क्या आएगा हमें ये बताना है। तो हम पहले वाले वर्ड को चेक करेंगे सबका, कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला से अगर करें तो एम 13 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और क्यू 17 नंबर पे आता है, और एस 19 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। तो साथियों, दो दो यहाँ पर पहले पहले अल्फाबेट में जोड़ रहा है, और जब हम लोग 21 में दो जोड़ेंगे तो 23वां अल्फाबेट यहाँ पर आएगा W। और आगे अगर बात करें दूसरे दूसरे की, तो ई 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, और साथियों आई 9 नंबर पे आता है, और के 11 नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है। मतलब दूसरे दूसरे वर्ड में भी दो जोड़ा जा रहा है। तो अंत में 13 में दो जोड़ेंगे तो 15वां शब्द आएगा ओ। उसके बाद में दोस्तों संख्या को चेक करें, 18 से 22 लिखा और 22 से 26 लिखा। आप कहेंगे सर चार चार संख्याओं में जोड़ा जा रहा है, और 26 के बाद में इसने 30 लिखा चार जोड़कर, और 30 में चार जोड़ा तो यहाँ पर 34 लिखा, और दोस्तों 34 में भी हमें चार को जोड़ना है तो बिल्कुल हमारे पास 38 आएगा। तो W O 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें दो कथन दिए हैं और दो निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन है सभी भूमि रिक्त हैं। तो साथियों हमें क्या करना है, एक भूमि का डायग्राम बनाना है, और ये जो भूमि है सारी भूमि क्या है दोस्तों रिक्त हैं। तो आपको सभी भूमि रिक्त वाले डायग्राम के अंदर है ना, सभी भूमि को रिक्त वाले डायग्राम में रखना है, और कोई भूमि लड़की नहीं है। तो हमें क्या करना दोस्तों, भूमि का संबंध लड़की से नेगेटिव बताया, तो हमें पहले डायग्राम से समझना है कि कोई भी भूमि लड़की नहीं है। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर भूमि को लड़की के साथ में नेगेटिव बनाना है। अब देखो निष्कर्ष एक कह रहा है सभी रिक्त भूमि है। तो साथियों रिक्त सारे भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो पहला निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है सभी लड़कियां रिक्त हैं, तो लड़की और रिक्त में भी कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुनः हमारे सामने आ चुका है, अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट और IMP यदि 7*5@10 #20 बराबर 370 लाना है, और साथियों फिर से 4*3@5 #30 बराबर 90 लेके आना है, तो 2*3@4 #5 का मान क्या होगा। तो साथियों इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इनके स्थान पर गणितीय चिन्हों को रखना है, और यहाँ पे 370 बनाना है, और यहाँ पर 90 बनाना है। तो साथियों अगर मैं पहले स्टार के स्थान पर गुना को रखूं, और एट द रेट के स्थान पर भी गुना को रखूं, और हैश के स्थान पे अगर प्लस को रखें, तो हम चेक करें कि हमारा 370 बन सकता है क्या। तो 7 का गुना 5 से होगा, और गुना में दोस्तों 10 से होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, 7×5 35 और 35 दाम होता है 350, और 350 में अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो बिल्कुल 370 हमें दिया है। मतलब हमारा लॉजिक ठीक है, यानी स्टार और एट द रेट के स्थान पर गुना आएगा और हैश के स्थान पर प्लस आएगा। ऐसे ही दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर 4×3 और गुना में 5 हमें करना है, और हैश की जगह अपने को प्लस लगाकर 30 जोड़ना है,
तो 5 3 15 15 6 60, 60 में हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 30 को जोड़ना है। आप कहेंगे सर 60 30 90 होता है जो हमें दिया है, तो हमसे जो समीकरण पूछा है उसमें भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 2 गुना 3 गुना उसके बाद में 4, और साथियों हैज के स्थान पर प्लस लगा के 5 हमें लिखना है और इसको हल करना है। तो पहले गुना करेंगे, 2 3 6 6 4 24, और 24 में हमें 5 को जोड़ना है तो 29 हो जाएगा, और 29 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो साथियों पहली स्थिति में कागज को बीच में से ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया, और दूसरी स्थिति में ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बट दूसरी स्थिति में वापस बीच में से लेफ्ट से राइट के ऊपर मोड़ा गया, अब तीसरी स्थिति में ये इस प्रकार से दिख रहा है और इसमें ये छेद किए गए। तो साथियों जब इसको खोला जाएगा तो पहले ये उधर खुलेगा जिधर लास्ट टाइम ये मुड़ा था, तो इधर जब इसको खोलेंगे तो ये जो लाइन है इसको आप दर्पण मान लीजिएगा, और इनके दोनों के दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेंगे। तो साथियों यहाँ पर चेक करिएगा कैसा दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा, यानी कि इसका मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब ये वाला चिन्ह भी देखिएगा, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पर दिखेगा आप लोगों को, इधर दिखेगा। तो 4 ऑप्शन में पहचानना है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। 4 आकृतियां आपको दी है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाली आकृति को देखिएगा, यानी कि इन दोनों के मिरर इमेज आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वाले दिखाई दे रहे हैं। और फिर साथियों ये पूरा ऐसा का ऐसा ही खुलेगा, तो ये ऊपर दोनों का प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा, तो ए वाली आकृति इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा, यानी कि एक सीरीज हमारे पास है जिसका पहला पद 85 है, फिर लिखा दोस्तों 84, उसके बाद में लिखा 92, और आगे लिखा है 83, उसके आगे लिखा दोस्तों 147, आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। हमें क्या करना, 85 को 84 लिखा, आप कहेंगे सर -1 किया और 84 को 92 किया, तो आप कहेंगे सर इसमें जोड़ा इसने 8 को, और उसके बाद 92 से वापस कमी करके 83 को लिखा, तो 83 मतलब माइनस का 9 किया, और साथियों यहाँ पर 83 से 143 लिखा तो इसमें 64 जोड़ा गया। अब आगे क्या जोड़े घटाए, तो बात को ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। देखो पहले इसमें ये एक एक का वर्ग होता है, एक का वर्ग घटाया, फिर 2 का क्यूब जोड़ा, फिर 3 का वर्ग घटाया, तो दोस्तों यहाँ पर जो घटा रहा है ये तो वर्ग को घटा रहा है, और 4 का क्यूब जोड़ा और जोड़ रहा है क्यूब को, तो एक बार घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा। अब दोस्तों घटाने की बारी है ना, तो घटाएंगे किसको, वर्ग को, तो 4 के बाद में आता है 5, और 5 का वर्ग यहाँ से घटाएंगे यानी 25 को हमें माइनस करना है, और 147 में से जब हम लोग 25 को माइनस करेंगे दोस्तों तो अगली संख्या हमारी 122 बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः हमारे सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। यहाँ पर एक सीरीज पुनः हमारे पास 8 लिखा, फिर 27 लिखा, उसके बाद में 46 लिखा, फिर दोस्तों यहाँ पर 65 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह है, और 103 को लिखा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट सोचना है जैसे 8 से 27 बनाया। आप कहेंगे सर यहाँ पर इसने 19 जोड़ दिया और 27 से 46 बनाया, फिर से इसने 19 को जोड़ दिया, मतलब पैटर्न समझ में आ चुका है कि सभी संख्याओं में 19 जोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों 65 में भी हमें 19 जोड़ देना है, तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास, आप कहेंगे सर 84 बनेगा, और 84 में भी जब हम लोग 19 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 103 आ जाएगा। तो साथियों 84 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा, मतलब यहाँ पर इसे करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें
पहले ऑप्शन के अनुसार इस समीकरण में माइनस और गुना 6 और 9 को आपस में बदल देते हैं और फिर समीकरण का मान अगर 29 आया तो हमारा राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा। तो माइनस जैसे लिखा दोस्तों 8, माइनस की जगह क्या लेना है गुना, और उसके बाद में लिखा है 4 और गुना की जगह क्या लेना है माइनस। अब देखो क्वेश्चन ने बोला 6 और 9 को आपस में बदलना है तो 9 की जगह 6 लेना है और प्लस 6 की जगह 9 लेना है। फिर आगे लिखा हमारे पास भागित और 3 और बराबर इसका मान 29 बनना चाहिए। बोर्ड मास से हल करेंगे, पहले हमारे पास भाग की बारी है तो यहाँ पर भाग को हल करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, उसके बाद गुना करेंगे 8 6 32 माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस का 3 और उसके बाद में 29। अब साथियों यहाँ पर 32 प्लस का 3 भी प्लस का तो ये हो जाएगा 35, 35 में से 6 को घटाएंगे तो क्या है 29 के बराबर होगा। आप कहेंगे सर 35 में से 6 जाएगा तो 29 के बराबर 29 हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला ई गुना एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है और ए प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया और एक व्यंजक हमें दिया गया। इस व्यंजक में जे का एल से क्या संबंध है तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, जे से लेकर तो एल तक के चिन्हों को हल करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग जाएंगे के पर तो हमें भाग का चिन्ह मिला और भाग का मतलब बताया ई एफ की बहन है तो ई का नाम भाग के पहले है तो भाग के पहले वाली बहन हो जाएगी, मतलब जे यहाँ पर दोस्तों बहन हो जाएगी तो हम जे को बहन लिखेंगे और ये के की बहन हो जाएगी, क्लियर ना, मतलब जे फीमेल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है के से वापस एल जाना है तो माइनस मिला और माइनस का अर्थ बताया ई एफ का बेटा है तो बेटा कौन है इनमें ई और ई का नाम माइनस के पहले है तो माइनस के पहले वाला बेटा हो जाएगा, मतलब माइनस के पहले के है और के दोस्तों बेटा हो जाएगा मतलब पुरुष हो जाएगा और एल का बेटा हो जाएगा। तो साथियों जे का एल से संबंध बताना है तो एल से आपको कहाँ जाना है जे पर जाना है तो एल से हम लोग जे पर आएंगे तो एल का बेटा और बेटे की बहन, मतलब एल की क्या हो जाएगी दोस्तों बेटी हो जाएगी जे, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और आईएमपी प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, मतलब साथियों हमें यह समझना पड़ेगा कि ए डब्ल्यू ई उसके बाद में एसओ एम ई इसको क्या बताया इसने, आप कहेंगे सर इसको बताया ई डब्ल्यू ए उसके बाद में बताया गया ए सी एम ओ, तो आप कहेंगे सर एस ई उसके बाद में एम ओ इसने बताया, ठीक ना। इसी प्रकार हमें यह समझना पड़ेगा कि आई एम पी उसके बाद आर ई डबल एस इम्प्रेस का कूट क्या बताया तो पी एम आई उसके बाद में दोस्तों डबल एस ई यहां पर इम्प्रेस का कूट बताया आई एम पी आर ई डबल एस का कूट बताया तो यहां पर कितना दिया 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 अक्षर और यहाँ कितने थे यहाँ भी बराबर थे, हो सकता है कि इसमें थोड़ा कोई त्रुटि हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान से समझे फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया था दोस्तों यहाँ पर ये शुरू के जो तीन अक्षर हैं इनका स्थान बदला था, तीसरे को फर्स्ट पे लाया डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू और ए को इधर लेके आया, इसी प्रकार यहाँ पर देखो एस के नीचे एस को लिखा और ओ को लास्ट में लेके गया और ई को यहाँ लेके आया और एम के नीचे, मतलब स्थान यहाँ पर परिवर्तन हुआ, इसमें एक अक्षर का मिसप्रिंट है तो सेम इसी प्रकार से हमें कन्फ्यूज का कूट लाना है। तो साथियों हम कन्फ्यूज के अक्षरों को भी उसी प्रकार बदल देंगे जिस प्रकार इसने क्या करा इधर फर्स्ट वाले शब्द को बदला। तो साथियों पहले के तीन अक्षरों को कैसे बदलना एन ओ सी, मतलब एन को यहाँ पर और सी को यहाँ पर ओ के नीचे ओ, ठीक ना। फिर एन को तो हमने कर लिया हल, अब एफ की बारी है तो एफ के नीचे एफ आएगा और साथियों ये तीन भी वापस ऐसे ही बदल जाएंगे यानी कि ई आएगा फिर एस आएगा यू आएगा, तो चार ऑप्शन में देखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर बनेगा। मतलब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं, दर्पण प्रतिबिंब में इसका लेफ्ट साइड राइट साइड घूम जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड घूम जाएगा, लेकिन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, आकृति उल्टी नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर पहली आकृति तो उल्टी हो गई है ना, उसके बाद में ये चौथी आकृति में ये जो तीर नीचे था ये ऊपर चला गया, मतलब ये भी दोस्तों ऊपर नहीं जाएगा, और ये दोनों नीचे वाले हिस्से जो है दोस्तों ये भी आपके ऊपर नहीं जाएंगे। तो बी वाली आकृति में भी इसने क्या करा, ये दोनों नीचे वाले हिस्से को ऊपर पहुंचा दिया, उल्टी आकृति नहीं होती। जब ये लेफ्ट से राइट घूमेगी दोस्तों तो सी आकृति इसका क्या बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक निश्चित कूट भाषा में यहां पर बोला गया दोस्तों, डेस्क का कूट बताया कि ACEDFRTJL लिखा जाता। इसी प्रकार चेयर का कूट बताया, उसी कूट भाषा में टेबल का कूट बनाना। तो देखो यहां पर आपको शुरू के अक्षर में चार अल्फाबेट दिखाई दे रहा है और साथियों यहां पर जो कूट दिया उसमें टोटल आठ दिखाई दे रहा है, मतलब एक वर्ड से दो अल्फाबेट बनाया। तो देखो डी से अब दो बनाना है, तो डी से सी बनाया होगा इसने, मतलब पहले तो एक माइनस किया और फिर ई बनाया, मतलब एक जोड़ा। तो साथियों एक माइनस किया और एक जोड़ा, एक अक्षर से दो बनाए, तो डी में से एक गया, सी बचा, डी में एक जोड़ा, ई बचा। अब देखो हमें ई का भी क्या करना, उसी प्रकार करना, पहले माइनस वन और फिर प्लस वन। तो ई में से एक जाएगा तो डी आएगा और ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा। उसके बाद में दोस्तों एस की बात करें तो एस में से पहले एक बार घटाएंगे एक को और एक बार एक को जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर घटाने पर तो आर बनेगा, जोड़ने पर टी बनेगा। उसके बाद में आपको दिया है के, और के का भी दो वर्ड बनाएंगे तो माइनस वन करेंगे फिर प्लस वन करेंगे। तो के में से एक जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर, जे बचेगा और एक जोड़ने पर एल आएगा। तो ये पूरा वर्ड हमें दिया है। इसी प्रकार दोस्तों चेयर में हुआ, तो देखो सी में से भी एक बार एक घटाएंगे और एक बार एक जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर बी और डी बनेगा। उसके बाद में एच की बात करें तो एच में से एक बार एक घटाएंगे और एक बार एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाने पर जी बनेगा और एच के बाद एक जोड़ने पर आई आएगा, और उसके बाद में ए में एक बार एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे तो घटाने पर जेड आएगा और जोड़ने पर बी आएगा। उसके बाद में दोस्तों आई की अगर बात करें, एक घटाएं फिर एक जोड़े, तो आई के पहले क्या जाएगा, घटाने पर एच और आई के बाद में जोड़ने पर जे हो जाएगा। इसी प्रकार आर की बात करें, एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे तो आर में एक घटाने पर क्यू आ जाएगा और एक जोड़ने पर एस आ जाएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार क्या करेंगे, टेबल का कूट लाना है तो आप टेबल को भी हल करो। टी में से एक बार एक घटाओ फिर एक जोड़ो, तो आप कहेंगे सर एस तो घटाने पर आएगा और यू जोड़ने पर आएगा। एम ए से भी एक घटाना और एक जोड़ना है, घटाने पे जेड आएगा और जोड़ने पर बी आएगा। और साथियों इसी प्रकार बी में से एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बनेगा और यहाँ पर सी बनेगा, और यहाँ पर एल में से एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे तो के तो घटाने पर, एल के बाद में एम जोड़ने पर। ई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर माइनस वन करेंगे प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर डी तो घटाने पर आएगा और ई के बाद में एफ जोड़ने पर आएगा। तो चार ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर भी एक शब्द दिया एम आई, उसके बाद में सी एस, और इसको क्या लिखा गया, जिस प्रकार से एल एच बी आर लिखा गया उसी प्रकार दोस्तों हमें क्या करना है, जे आर और वी पी का कूट बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला से कर सकते, एम 13 पे एल 12 पे आप कहेंगे माइनस वन, और 9 पे आई आता है और एच 8 नंबर पे माइनस वन। सी का क्रम 3 होता है, बी का 2 होता है माइनस वन, एस का क्रम 19 और आर का 18, आप कहेंगे सर माइनस वन। इन सब में से भी माइनस वन कर देंगे तो उसी प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा। जे 10 पे आर 18 पे, वी 22 पे होता है, पी 16 पे होता है, और यहाँ एक घटाने पर 9 पे आई आएगा और 18 में से एक गया 17 पर क्यू आएगा, और 22 में से एक गया आप कहेंगे सर 21 पर यू आएगा, और 16 में से एक गया 15 पर क्या आएगा,
तो साथियों ओ आएगा, तो आई क्यू यू ओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारे पास आई एम पी वाला, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों यहाँ पर इस श्रृंखला में क्या हुआ, जैसे पहला वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं तो इसे दो जोड़कर, इसे दो जोड़कर दूसरे नंबर पर लिखा, और टी में वापस दो जोड़ के दोस्तों फर्स्ट नंबर पे लिखा, और उसके बाद में मतलब एक बार आगे को पीछे लिखा, पीछे से फिर आगे लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर वी में कितना जोड़ा, दो जोड़ा, तो यहाँ पर फिर से x लिखा, अब x में भी दो जोड़ेंगे तो साथियों फर्स्ट नंबर पे आएगा, x के बाद में y और उसके बाद में z, तो दो जोड़ने पर यहाँ पर z बनेगा। अब दूसरे वर्ड को देखो, दूसरे नंबर का पहले तो लिखा पहले नंबर पर v, दो जोड़कर यहाँ पर क्या लिखा, v लिखा, और फिर फर्स्ट से दूसरा बनाया, v के बाद में डब्ल्यू एक्स दो जोड़ा, और फिर फर्स्ट वाला लिखा मतलब यहाँ पर वाई जेड, आप कहेंगे सर यहाँ भी दो जोड़ा। अब हम जेड में भी दो जोड़ेंगे तो सेकेंड नंबर पे आएगा ए बी, यहाँ पर बी आएगा तो जेड भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है, छह मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे। साथियों छह लोगों को अरेंज करना है इस क्वेश्चन में और छह का ही मुख केंद्र के बाहर की ओर है इस तरह से, तो आपको इनका दायां बायां समझ लेना है बस, और आपके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा, आप देखो कैसे बिठाना है। यहाँ पर बोला यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है, और साथियों आगे बोला इसने एस जो रहेगा टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पहले हम टी को कहीं भी अरेंज कर देते, और टी का हमें क्या समझना है बायां, क्या हो जाएगा यहाँ पर एस, तो टी के जस्ट बाईं ओर एस हो जाएगा। आगे बोला यू आर और एस के ठीक बीच में रहेगा, तो आर और एस के ठीक बीच में मतलब यू यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, तो आर और एस के बीच में यू हो जाएगा। अब आगे अगर बात करें दोस्तों, क्या बोला, पी जो रहेगा क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी जो रहेगा क्यू के ठीक दाईं ओर है, तो क्यू को यहाँ बिठा देते और क्यू का दाया इधर रहेगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि टी के विपरीत कौन बैठा है, तो साथियों टी के सामने कौन बैठा है, आर बैठा है, तो बिल्कुल बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास मोस्ट और आई एम पी वाला है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार हमें है ना व्यवस्थित करना है, और दोस्तों ये बताना कि कौन सा अक्षर तीसरे स्थान पर आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके पहले पहले वर्ड को कंपेयर करने पर सब में आर मिला, आप कहेंगे सर पहले वर्ड को चेक करने पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी पता नहीं चल रहा, फिर हमें ई को कंपेयर करना है, तो सब में आपको ई भी समान दिखाई दे रहा है, उसके बाद तीसरा वर्ड सब में आपको सी दिखाई दे रहा है, और दोस्तों सी के बाद में यहाँ पर ए, आप कहेंगे सर ए, और सी के बाद में यहाँ पर ई, और उसके बाद में यहाँ पर भी ई, और साथियों यहाँ पर भी क्या आएगा, ई आएगा, और सी के बाद में यहाँ पर भी क्या दिया, ए दिया। तो साथियों ए वाले शब्द जो है ये तो एक दो नंबर पे आएंगे, अब हमें एक दो नंबर का नहीं चाहिए, तो एक दो नंबर का दोस्तों हमें चाहिए तीसरे नंबर का, तो एक दो नंबर पे तो पहला पांचवा वर्ड आएगा, अब तीसरे का लाने के लिए डायरेक्ट ई को कंपेयर करो, ई के बाद में आगे गए तो आई मिला, ई के बाद में यहाँ पर एन मिला, और ई के बाद में आपको एस मिला। तो साथियों एक दो नंबर पे तो पहला पांचवा वर्ड हुआ, हमें तीसरे नंबर पे अब किसकी बारी, एक के बाद में आई की बारी आती है, आप कहेंगे सर ये तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा, तो ये जो रिसीव शब्द है ये डायरेक्ट तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिया है, तो बी वाला प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और आईएमपी प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ईटिंग का कूट दिया है, तो उसी कूट भाषा में कॉफी का कूट बताना, तो ये समझना होगा दोस्तों कि ईटिंग को किस प्रकार से, है ना, ईटिंग को किस प्रकार से क्या लिखा गया, ई एल उसके बाद में जी आर और आगे लिखा गया दोस्तों वाई सी, उसी प्रकार हम क्या करेंगे,
कॉफी का कूट लिखेंगे। तो साथियों सीओ, उसके बाद डबल एफ डबल ई का कूट हमें बनाना है, जिस प्रकार से ईटिंग को लिखा गया, तो इसको भी हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला से समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे देखो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई के नीचे ई लिखा लेकिन ए को एल बनाया, ऐसा हो नहीं सकता। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पांच पे, ए वन पर, उसके बाद टी बीस पर और आई नौ पर, एन चौदह पर, जी सात पे आता है। अब देखो अगर पांच में से मैं दो, एक पांच में से दो जाएगा तो तीन नंबर का शब्द सी दिया है, और यहाँ पर पहले दो घटाया, अब जेड में मतलब ए में से भी दो जाएगा तो आपको दो नंबर घटाने पर 25 नंबर का वाई दिया है, मतलब आगे से पीछे की ओर से लिखता हुआ आ रहा है। दो माइनस कर रहा आगे वाले में, पीछे की ओर लिखता आ रहा है, फिर माइनस दो किया तो 20 में दो गया 18, और उसके बाद में नौ में से दो जाएगा दोस्तों सातवां शब्द दिया, और चौदह में से दो जाएगा बारहवां शब्द दिया, और यहाँ पर सात में से दो जाएगा पांचवा शब्द दिया। अब यही चीज अपने को कॉफी में अप्लाई कर देना है। सी तीन पे आता है, ओ पंद्रह पर, एफ छह पर, एफ छह पर और ई पांच पर, ई पांच पर। तीन में से दो जाएगा, आप कहेंगे सर एक बचेगा, और पंद्रह में से दो जाएगा तेरह बचेगा, है ना। उसके बाद में छह में से भी दो जाएगा, आप कहेंगे सर चौथा शब्द आएगा, छह में से फिर दो जाएगा चौथा आएगा, पांच में दो जाएगा तीन आएगा, पांच में दो जाएगा तीन आएगा। तो सी सी है ना, चार नंबर पे डी, चार नंबर पे डी, तेरह नंबर पे एम और एक नंबर पे ए आएगा। तो चार ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने, एग्जाम के अंदर कैसे कम समय में बनाना है ध्यान से समझिएगा। आठ लड़के हैं जिनका नाम बी वन से लेकर तो बी एट तक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर दिशा ऊपर होती है। आपको इनका दायां और इनका बायां बहुत अच्छे से दोस्तों समझ लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, बी सिक्स बी वन के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा है, तो जो बी सिक्स रहेगा बी वन के दाईं ओर पांचवें नंबर पे रहेगा। तो मान लो बी वन यहां बैठा, अब इसके दाईं ओर पांचवा, तो दायां इधर बनेगा बी वन का, एक उसके बाद में दो उसके बाद तीन, ये चार और ये पांच नंबर पे, यहाँ पांच नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, बी सिक्स के बारे में बोला। आगे करते बी फोर बी फाइव के दाईं ओर से है ना पांचवें स्थान पर रहेगा। चलो इसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते, बी फाइव जो रहेगा बी वन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बी वन का ठीक दाया यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर बी फाइव के बारे में बोला, बी वन के ठीक दाईं ओर। इससे पहले ये बोल चुका था कि जो बी फोर रहेगा बी फाइव के दाईं ओर से पांचवें नंबर पे रहेगा, तो बी फाइव का दाया इधर है, पांचवें नंबर पे कौन रहेगा, बी फोर, एक दो तीन चार, और पांचवें नंबर पे यहाँ पर कौन रहेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर बी फोर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, बी एट जो रहेगा बी फोर के बाईं ओर से तीसरे नंबर पर रहेगा, तो बी फोर का बायां इधर रहेगा और यहाँ पर कौन रहेगा, बाईं ओर तीसरा बी एट, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों, बी एट आएगा। आगे क्या बोला, बी टू जो रहेगा बी सेवन के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर, तो बी सेवन के दाईं ओर तीसरा कब बन सकता है, तो बी टू अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिठाते हैं, तो ये बी सेवन के, अगर मैं बी सेवन को यहाँ बिठाता हूँ, बी सेवन को अगर मैं कहाँ बिठाता हूँ, यहाँ पर बिठाता हूँ, तो बी सेवन के दाईं ओर है ना तीसरे नंबर पे बी टू बन जाएगा। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बचा है जिसका नाम क्या, बी वन हो चुका है, बी टू हो चुका है, बी थ्री जो बचा ये एक स्थान पे यहाँ बैठ जाएगा, तो ये आठों लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा कि बी टू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो बी टू का दायां इधर है और बी टू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, बी एट बैठा है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट और आईएमपी कि भैया निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो साथियों यहाँ पर देखो, आप इधर साइड में देखो, इधर भी हो जाएगा, आपको ये लाइन पूरी विकर्णता इसको काट रही है, तो ये लाइन भी इस प्रकार से यहाँ पर एक तो पूरा होगी, ठीक ना। और इसमें देखो आइट साइड इस तरह के दो तीर के निशान है, तो एक तीर का निशान जब इधर है तो एक तीर का निशान हमारा यहाँ पर लगेगा,
जिसमें सी आकृति गलत हो जाएगी और उसके बाद में दोस्तों डी आकृति भी गलत हो जाएगी। अब देखो ये जो दोनों आपके यहाँ पर ये चतुर्भुज टाइप है ये भी पूरे होंगे, ठीक ना, तो ये एक ये वाला भी पूरा होगा दोस्तों। तो चार ऑप्शन में से दो तो गलत हो गए, दो और बचे। आप कहेंगे सर ये वाला इस प्रकार का चतुर्भुज पूरा होगा ही नहीं, इस प्रकार का भी नहीं होगा, तो बिल्कुल बी वाला हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आईएमपी प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। क्या करना है देखो, आपको आकृति का एक सीरीज दिया है, अगली आकृति क्या आएगी, तो आप ये समझो कि पहली आकृति कैसी थी, ब्लैक, फिर सफेद, फिर ब्लैक और फिर सफेद। अब आगे जो आएगी दोस्तों ब्लैक आकृति यहाँ पर आएगी, तो हमारा बी वाला और सी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों ब्लैक वाली दो आकृतियां कौन सी आएगी, तो देखो ये लास्ट में जैसी सफेद थी वैसी नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये घूम चुकी है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर बनेगा ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी टेढ़ी आकृति आएगी और वो आएगी कौन सी, आप कहेंगे सर मतलब ये 45 डिग्री भी घूम रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि ये 45 डिग्री घूम रही है दोस्तों, याद रखना। तो 45 डिग्री जब ये सफेद आकृति घूमेगी तो ये थोड़ी टेढ़ी होकर और कौन सी आकृति बन जाएगी, डी वाली यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझो ये प्लस यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर इस कोने में आया, फिर बीच में गया, अब ये प्लस डेफिनेटली इस कोने में आएगा, यस। यहाँ पर देखो एक नया चिन्ह आया दोस्तों माइनस, और ये माइनस इस कोने में आया और फिर यहाँ बीच में आया, फिर इस कोने में आया, अब माइनस कहाँ जाएगा, बीच में आएगा, क्लियर ना। अब अगली आकृति में देखिए एच नया आया, तो ये एच इधर था, ठीक है ना, अब ये वापस बीच में आया, फिर अब कहाँ आएगा, नीचे वाले कोने में एच आएगा। अब आगे अगर बात करूं तो आखिरी आकृति में आर नया था, तो आर भी इस तरह से कहाँ घूम जाएगा, थोड़ा यहाँ इस कोने में था, बीच में आ जाएगा, आर के बाद में अब एक अक्षर नया आएगा। तो देखो आर बीच में रहेगा, आप कहेंगे सर दूसरी आकृति में आर बीच में नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब हमारा कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आर रहेगा और बीच में उसके बाद में क्या रहेगा, नीचे एच रहेगा, माइनस रहेगा और प्लस रहेगा, तो पहली आकृति ही और अगली आकृति में वापस एक एस नया आ जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल हमारा प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए वाली आकृति इसका सही जवाब बनेगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों एसएससी जीडी की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको यहाँ मिलने वाले हैं एसएससी जीडी से बेस्ट और बेस्ट क्लासे, ठीक ना। तो साथियों क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।